सो टुडेस केबीएल तक हो टॉपिक गया था। केवीएल तक हो गया था। हाँ तो केवीएल तक ही हुआ है, अभी उसके क्वेश्चंस बचे हैं। देखो द ओनली पार्ट दैट इज लेफ्ट इज द क्वेश्चन एंड यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। बहुत ज्यादा करने हैं अभी, मैंने स्टार्टिंग के भी कई अच्छे क्वेश्चंस अभी नहीं कराए। वी विल डू दैट। खत्म करते हैं आज थोड़ा थ्योरी पार्ट। तो क्या पढ़ाऊंगा, तो लास्ट का आज एप्लीकेशन वाला पार्ट है, इसको ट्राई करूंगा कि कंप्लीट हो जाए क्लास में, बट इट्स नॉट पॉसिबल आई थिंक। तो टुडे वी विल बी वर्किंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, है ना, जो भी बेसिक से इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उनको आज समझेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बोल लो या फिर तुम उसको वो ले लो, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल जो भी अप्लायंसेस यूज होते हैं, मतलब बेसिक बेसिक से पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर, जो भी जितनी चीजें हैं उसको आज ट्राई करेंगे, है ना। अच्छा, उसमें आगे बढ़ने से पहले गलत पेज खोल दिया क्या मैंने, गलत पेज खोला तुम्हारा पेज, ये रहा, फिर से लिखूंगा, कोई नहीं। 01 5:30 PM, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे बात रहेगी आज। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में बेसिकली तुम्हें पता है बेसिक बेसिक सी चीजें क्या पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो रादर देन जस्ट जंपिंग ऑन जंपिंग टू द टॉपिक, व्हाट वी विल डू ना, एक एक्टिविटी करते हैं, छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आई होप तुम लोगों को केसीएल केवीएल याद हो, तो इट्स सॉर्ट ऑफ रिविजन। तुम्हें क्या करना है, मैं एक एक्टिविटी का एक टास्क दे रहा हूँ। सो व्हाट इज टास्क इन फ्रंट ऑफ यू, लेट्स से एक टास्क है तुम्हारे आगे। टास्क क्या है कि एक सर्किट है, ठीक है, एंड आई एम टेलिंग यू इन अ वे, मैंने तुम्हें एक चीज कंडीशन दे रखा है। मान लो कि पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू अप्लाई द किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ, कैसे भी लगाओ, बट तुम्हारी कंडीशन ये है कि आई एम सेइंग, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, मैं क्या तुमसे बोल रहा हूँ, कीप इन माइंड, दिस इज द कंडीशन इन फ्रंट ऑफ यू दैट देयर इज नो करेंट इन द रजिस्टर आई फाइव, इन द रजिस्टर R5। आया बात समझ में सबको, R5 में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। दिस इज समथिंग वी नो फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमको उसके थ्रू पता चला है कि देयर इज नो करंट इन द R5। तो अब तुम्हें एक रिलेशन बनाना है इन बिटवीन द गिवन वैल्यूज। यहाँ पे तुम्हें खाली R1, R2, R3, R4 गिवन है और उसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट BA इज ग्रेटर देन BB। बनाओ, कैसे बनाओगे, समझ में आया, व्हाट वाज माय क्वेश्चन, बोलो पहले, आया या नहीं आया समझ में। बोलो बोलो, यस सर। देखो मैं कुछ कुछ हिंट देता हूँ, बाकी तुम लोग ट्राई करो। ये चीज लेके बैठे हो नोटबुक, अगर नहीं लेके बैठे हो, मान लो कुछ तो करंट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, देयर इज सम अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग फ्रॉम ए, फिर वो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ऐसा ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब यहाँ पे करंट नहीं जा रहा है, तो मतलब जो इसमें आ रहा है वही सीधा सीधा इसमें आ जाएगा, ठीक है, और जो इसमें आ रहा है वही सीधा सीधा इसमें आ जाएगा, ठीक है, और वो यहाँ से वापस मिलके निकल जाएगा। तो जितना एंटर किया उतना ही निकलेगा, इट्स अ कंडीशन फ्रॉम किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से, यू नो दिस, कि जितना करंट एंटर कर रहा है दैट नीड्स टू कम आउट। तो एक काम करो, पहले तो लिख लो कुछ भी, करंट करंट इसमें कितना है, इसमें कितना, और फिर ट्राई टू अप्लाई केवीएल, केवीएल लगाओ इसमें, केवीएल लगाओ इसमें, मुझे बताओ क्या रिलेशंस आ रहे हैं। अब बताओ, मैंने इतना हेल्प किया, किसी को समझ में आ रहा है क्या करना है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, बोलो, टेल मी। बोलो, हेलो गाइस, कैन यू हियर आ मी। रहा है थोड़ा थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं लाना जी, आप मैंने जो बोला है वो करके दिखाना है। हाँ मैं तान्या रिपीट करता हूँ, देखो कंडीशन क्या बोली मैंने तुम्हें, कि यहाँ से कुछ करंट तान्या एंटर कर रहा है, यहाँ से कुछ करंट बाहर जा रहा है, अपने को नहीं पता कितना, ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। दूसरी चीज मैंने तान्या से बोली है कि पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। अनदर थिंग, तुम्हें क्या करना है, R1, R2, R3 और R4 के बीच में रिलेशन निकालना है केवीएल लगा के। इन दोनों, दो लूप्स दिख रहे हैं, इन दोनों लूप्स में केवीएल लगाएंगे और इन सच अ वे यू हैव टू अप्लाई द केवीएल कि जो रजिस्टर R5 है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, ये मुझे पता है। मनोज प्रूफ चाहिए, प्रूफ प्रूफ चाहिए बच्चा, आई वॉन्ट प्रूफ, लगा लगा सोल्व करो।
तुम लोग को आया समझ में नहीं आ रहा है, चलो मैं कुछ लिखता हूँ थोड़ा और, तब करोगे। चलो ये देखो, अच्छा कुछ लिख देता हूँ मैं इधर कुछ टर्म्स, लेट मी राइट सम टर्म्स दैट विल हेल्प यू आउट। मैं मान लो ये पॉइंट है कुछ तो तुम्हारा, लेट से इसको दे देते हैं अपन P Q R S P U। अब लगा लोगे? अच्छा KVL लगाएंगे, वील अप्लाई द KVL, व्हाट शुड बी द अप्रोच? नहीं कर रहे हो तो मेरी हेल्प करो। अच्छा मान लो ए से कोई करंट आ रहा है, ठीक है, तो वो ए पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट होगा करंट, होगा या नहीं होगा, बोलो येस और नो। जिसका रिलेशन आएगा वो चार्ट में यस लिखना, सर डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या मान लू, लेट्स से इट इज आई वन एंड दिस इज आई टू, यही डायरेक्शन पॉसिबल है? इसके अलावा कुछ और पॉसिबल है क्या डायरेक्शन, बोलो? नो सर यही पॉसिबल नो है। अब सर जितना आई वन इसमें, सेम आई वन इसमें जाएगा, यस और नो? सेम आई वन इसमें जाएगा आर वन में, और मैंने बोला है इट्स रिटन देयर कि आर फाइव में कोई भी करंट नहीं जा रहा है, तो आई वन ही किसमें भी जा रहा होगा, इसमें भी कौन सा करंट आ रहा होगा, आई वन। एवं सेम इज हैपनिंग विद एयर, अगर आई टू इसमें आ रहा है तो आई टू भी इसमें आ रहा है, और फिर आई टू इससे निकल भी रहा है, तो यहाँ पर भी आई टू है और यहाँ पे मिलकर वापस आई है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? यस मैंने तुमसे दूसरी चीज क्या बोली, केवीएल लगाओ, बैठे हुए हो, केवीएल लगाओ। अब कुछ भी लूप मान लो, सो लेट से पहले अपन लूप कौन सा ले रहे हैं, केवीएल कौन से लूप में लगा रहे हैं अपन, फर्स्ट वी आर अप्लाइंग द केवीएल इन द लूप पी क्यू टी यू पी। लगाओ, अब लगा लोगे इस लूप में, लगा दो, क्या आएगी बताओ कंडीशन, है ना? दिस विल बी द डायरेक्शन, मैंने जब सर लिखा है पी क्यू टी पी यू। हाँ, एक रिलेशन आया है R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4। कैसे आया है? मैंने करंट जैसे I1 था वो R1 and R2 में फ्लो हो रहा था, और जो I2 था वो R3 and R4 में फ्लो हो रहा था, तो I1 और R2 को इक्वल कर दिया, तो फिर उसके इक्वल्स में जैसे R1 इज इक्वल टू R2 हो गया, उसको उसके नीचे ले गए इजिकल्स टू 1 आ गया। ऐसे ही दूसरे वाले में किया तो R1 by R2 इजिकल्स टू R3 by R4 आ गया। ठीक है, वेरी वेल जिया। अच्छा सबको समझ में आया जिया ने क्या किया, बोलो किस किस को समझ में नहीं आ रहा है, बोलो यार। देखो ये एप्लीकेशन क्लास है, ठीक है, अब तक थ्योरी चल रही थी, अब ये एप्लीकेशन क्लास है, यहाँ से पूरी सर्किट डायग्राम्स और वो सब जो भी चीजें इसमें अपन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पढ़ रहे हो वो सब एप्लीकेशन पार्ट है। इससे आजकल बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो तुम लोग अभी बोलोगे नहीं तो मैं कैसे हेल्प करूंगा, ये बोलोगे तो ही समझ में आएंगी चीजें, बिकॉज अब यहाँ से एप्लीकेशन है, मेरे करने से कोई मदद नहीं होने वाली, मेरे को आता है। बताओ क्या लिखूंगा, अच्छा इक्वेशन बोलते रहो, चलो मैं लिख रहा, बस डोंट डोंट से एनीथिंग, बोलते मतलब डोंट राइट एनीथिंग, इक्वेशन बोलते हो मैं लिख लूंगा, ठीक है। बताओ पहले लूप के लिए क्या लिखूंगा, केवीएल सबसे पहला क्या लिखूंगा मैं, अगर करंट इससे पास हो रहा है पी क्यू वाले रजिस्टर से, आर वन रजिस्टर से पास हो रहा है, तो उसको पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है, पोटेंशियल गेन मिल रहा है, बोलो बोलो, पोटेंशियल यहां गेन से हो रहा है, गेन हो रहा होगा या करंट की डायरेक्शन में? देखो करंट की डायरेक्शन में पी का पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप हो होगा या रहा है, क्यू का, ड्रॉप हो रहा है क्योंकि क्यू का पोटेंशियल ज्यादा है ना, ड्रॉप हो रहा है, तो ड्रॉप हो रहा है तो अपन कितना ड्रॉप हो रहा है, माइनस आई आई वन आर वन, कैन आई राइट दिस, बोलो यस ना, यस व्हाट अबाउट द सर आर फाइव, यस आर फाइव के लिए क्या बोलेंगे, उसको गेन हो रहा है करंट को या ड्रॉप हो रहा है, व्हाट शुड आई राइट फॉर आई वन, सॉरी आर फाइव, इस लूप का बात कर रहा हूँ ना मैं, तो इन दिस लूप आई एम गोइंग इन दिस डायरेक्शन, बताओ इसमें गेन मिल रहा है लॉस मिल रहा है इन दिस रजिस्टर आर फाइव, सनी बताओ, तान्या सोचो, मानसी लॉस हो कमॉन, रहा है। बच्चा कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा उसमें, तो जब करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है, आई मेंशन हियर, जब करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है तो काहे का लॉस काहे का गेन, डू वी नीड टू राइट दैट, अगर लिखेंगे भी तो क्या लिखेंगे, जीरो इंटू आर फाइव, कुछ भी प्लस माइनस जीरो इंटू आर फाइव लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, करंट ही नहीं है ना कोई, देयर इज नो गेन और लॉस। यस फिर इसी वाला बताओ, अच्छा ये वाले के लिए व्हाट कैन आई राइट, अब यहाँ पे देखो टी से यू जाने गेन हो में, रहा वेरी है, वेल मनोज, गेन हो रहा है, कैसे गेन पता हो रहा स्तुति, हाउ यू नो गेन हो रहा है, कैसे पता है? बोलो मानसी, मनोज, मनोज तो बोल रहा है, चलो महक, है, अपोजिट पीयूष, डायरेक्शन, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन डायरेक्शन, करंट के तुम्हें, अपोजिट, हाँ करंट के हाँ अपोजिट, वेरी वेल, तो तुम्हें पता है कि अपोजिट करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, मतलब यू इज ऑन हायर पोटेंशियल, टी इज ऑन लोअर पोटेंशियल, तो अपोजिट डायरेक्शन में गेन, तो आई विल बी राइटिंग इट प्लस, क्या लिखूंगा बोलो, वही लिखूंगा जो तुम लोग बोलोगे, I2 R3 आई टू आर थ्री,
इट्स इक्वल टू जीरो, सो यहां से आई विल बी गेटिंग माय फर्स्ट इक्वेशन, लेट मी राइट इट लाइक दिस, आई टू आर थ्री इक्वल्स टू आई वन आर वन. बताओ कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? कम ऑन. नो सर. तो सर नहीं बिल्कुल. चलो नाउ लेट्स राइट राइट इट फॉर द सेकेंड लूप, दूसरे लूप के लिए लिखते हैं. तो अभी दूसरा लूप क्या बोल रहा है, केवीएल फॉर क्या ले लूं दूसरा लूप, क्यू आर एस टी क्यू चलेगा. अगेन यू कैन टेक एनीथिंग. अभी तुम लोग अगर मेरे साथ कर रहे हो तो तुम एक बार लेके देखो, मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, तुम एंटी क्लॉकवाइज लेके देखो, है ना. करोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस होगी भाई, मेरा कुछ नहीं होगा इसमें फायदा, मतलब होगा अगर तुम अच्छा रिजल्ट लाओगे तो नो डाउट मेरा फायदा होगा. चलो बताओ क्यू से आर जाने में करंट कितना है, गेन है लॉस है क्या है? लॉस है. कैसे पता लॉस है महक? 10-15 मिनट लगा देना सड़ी चीज को समझने में, तुम लोग 20 मिनट वेस्ट करते हो. करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है क्या? जी हाँ. कैसे करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यू से आर? भाई देखो मैंने सेम क्या बोला डायरेक्शन है, करंट के सेम डायरेक्शन में, तो देखो हाई पोटेंशियल कौन होगा, क्यू या आर? गेन हो रहा है. कैसे गेन हो रहा है स्वाति? देखो देखो सुनो मेरी बात सुनो स्वाति. अच्छा ये बताओ पहले क्यू का पोटेंशियल ज्यादा होगा या आर का? सोच के बताओ स्वाति जल्दी. आर का कैसे ज्यादा होगा, करंट कैसे फ्लो करता है? सर लॉस हो रहा है, क्यू का पोटेंशियल ज्यादा है, आर का कम है. क्यू का ज्यादा आर का कम है, क्योंकि हमें पता है इट्स ऑलवेज, हमने देखो करंट हमने अज्यूम किया है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते. तो अगर करंट एक बार अज्यूम कर लिया है तो करंट हमें मानना ही पड़ेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है, कुछ नेगेटिव आंसर आएगा तो वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो क्यू हाई पे है आर लो पे है, तो हायर से लोअर जा रहा है मतलब लॉस मिल रहा है. आई बात समझ में? कितना लॉस मिल रहा है जिया, व्हाट शुड आई राइट? आई वन इंटू आर टू दैट टू माइनस, क्योंकि लॉस है. बोलो मानसी क्लियर है? यस सर ठीक है. हीमा कोप अप करने का ट्राई करना. ओके अमन बता दूसरा क्या लिखूंगा आप? आर एस, आर एस में क्या मिल रहा है मुझे, गेन या लॉस आर टू एस जाने में? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है. क्यों नहीं मिल रहा है? एक. कुछ भी नहीं मिल रहा बेटा, कुछ भी नहीं मिल रहा. आर एस में कोई रेजिस्टर है क्या? इज देयर एनी रेजिस्टर? देन नो लॉस नो गेन नथिंग, सिंपल वायर है. उसके बाद इधर आ जाओ, ऐसे जाने में करंट के ऑपोजिट जा रहा हूँ, करंट के डायरेक्शन में गेन लॉस अपोजिट गेन, गेन अपोजिट गेन एस से टी, करंट हायर से लोअर फ्लो करता है, तो मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो मेरे को गेन मिल रहा है कितना, व्हाट शुड आई राइट? प्लस आई टू आर फोर. यहाँ से यहाँ जाने में बताओ गेन या लॉस? कम ऑन अंजलि ट्राई. क्या करंट कोई गेन और कोई लॉस नहीं हो रहा है? हाँ, so there is no loss and the no gain. So what should I write? Nothing. I am not writing anything. चलो, यहाँ से आ गई एक equation क्या आ गई देखो, I2 R4 is equals to I1 R2 आ गई. Now let's divide these two equations. इन दोनों equations को divide कर देते हैं. Let's say this is equation one and let's say this is equation two. बताओ यार जल्दी से divide करके क्या आ रहा है? So I'll be dividing these two equations. इनको मैं क्या कर रहा हूँ? Divide on dividing. R3 by R4 is equals to R1 by R2. Equation 1 by 2. तो क्या लिखूंगा मैं? ये equation 2 by 1 कर देते. कुछ भी कर दो वैसे आंसर सबसे ही सेम आएगा. So R3 upon R4 is equals to R1 upon R2. अच्छा, you can write it in any way. ये भी सही है. और इसका ही इक्विवेलेंट क्या होगा इफ आई विल बी राइटिंग आर थ्री अपॉन इफ आई विल बी राइटिंग दिस आर वन अपॉन आर थ्री इज इक्वल्स टू आर टू अपॉन आर फोर है ना, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दोनों ही सेम बातें लिखी. तो यहाँ से आता है कॉन्सेप्ट किसका, ये अभी जस्ट तुमने किस कॉन्सेप्ट की प्रूविंग कर ली है? व्हीटस्टोन. ठीक है, सो यहाँ से यू जस्ट हैव प्रूव व्हाट यू कॉल व्हीटस्टोन प्रूफ किया होगा है, कैसे लोगों ने समझा होगा कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर नो करंट इन द सर्किट व्हेनेवर नो करंट इन द मिडिल रेजिस्टर और द मिडिल वायर. ठीक है, यहाँ पे अपन एक गैल्वेनोमीटर लगा करते, वैसे तो एक्सपेरिमेंटली करते, बट मैथमेटिकली तुमको पता चल गया. ठीक है ना, कैसा रिलेशन आता है. चलो इस रिलेशन पे सिंपल सादा सा क्वेश्चन है करके बताओ, है ना, कर लोगे आई एम होपिंग. इजी है, काफी इजी क्वेश्चन है. तो
नॉट इवन ऑफ बोर्ड लेवल। बच्चों जल्दी जल्दी पढ़ लो, तुम लोग पता है बहुत ढेर सारा सिलेबस है, तुम लोग के टेस्ट आ रहे हैं, देखते हैं मनोज देखते हैं। बाकी आया किसी का? वेरी वेल पीयूष, कुछ कर नहीं रहा बेटा, अमन भी आज शांत है। तुम लोग एक दिन आज क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या स्कूल? स्कूल थके ज्यादा हो? कैसा है मौसम दिल्ली में? वेरी वेल अमन। मनोज कहाँ गड़बड़ कर दी बेटा? मनोज अंजलि को आ रहा है समझ में? अर्षी आंसर आया? गाइस इजी है, जल्दी करो। चलो मैं करूंगा, देखो इधर व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, फर्स्ट टेल मी दैट, कम ऑन बोलो। इज द कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज सेटिस्फाइंग? यस ऑब्वियसली इट्स सेटिस्फाइंग, है ना? यस सर। व्हाई इट्स सेटिस्फाइंग? इफ आई विल बी राइटिंग व्हीटस्टोन ब्रिज, सो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्यों सेटिस्फाई हो रही है? कुछ भी लेके देख सकते हो तुम, है ना? 10/5 इज इक्वल टू 6/3, सो इट्स गिविंग मी, व्हाट इट्स गिविंग मी, 2/2, 2 इक्वल टू 2, सो इट्स सेटिस्फाइंग। सो मींस देयर विल बी नो करंट इन द 20 ओम रेजिस्टेंस। तो मतलब क्या हो गया, नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा? देखो R1 आएगा 10+6 इक्वल टू 16, R2 कितना आएगा 5+3 8, लिखी देता हूँ अच्छे से मैं, तुम लोग समझ में आएगा 8। फिर नेट रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, 1/R = 1/R2 + 1/R1, कितना आएगा भाई 16। हाँ मनोज अभी सही आया तेरा, 8 2 16 + 1 कितना आ गया, ये आर इक्विवेलेंट 16/3। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? ये अभी हम लोग ने कुछ नहीं पढ़ा, बहुत बच्चा चीज पढ़ी है, ठीक है? इसमें तो बोल लो एटलीस्ट क्लियर है। अच्छा कीप इट इन योर माइंड, इट्स नॉट एवरी टाइम पॉसिबल, इट्स नॉट एट ऑल एवरी टाइम पॉसिबल कि तुम्हें कभी हमेशा व्हीटस्टोन ब्रिज मिले। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं मिलेगा तो तुम्हें क्या करना है, यू नो वेरी वेल क्या करोगे। अगर क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज वैसे तो नहीं आता है बिकॉज टाइम ज्यादा लगता है उसमें, बट जस्ट इन केस अगर आ गया तो क्या करोगे, यहाँ पे जैसे तुमने अभी I1 माना था तो यहाँ पे एक और करंट मान लेना, ठीक है, और इधर एक मान लेना, और दोनों में सेम लगाना क्या KVL, बट तीन इक्वेशन बनेंगी तो तुम्हें एक इन दोनों में लगाना पड़ेगा केवीएल, और एक पता है केवीएल किस में लगाना पड़ेगा, इस पूरे वाले लूप में, मतलब PRSTU इस वाले पूरे लूप में केवीएल लगाना पड़ेगा, ठीक है? लगा लोगे? तो वैसा क्वेश्चन ऐसे मैं DPP में कराऊंगा, ठीक है? बताओ यहां तक क्लियर है? बोलो यस सर। क्लियर है। चलो अब देखो जो तुमने अभी पढ़ा है, व्हाट यू जस्ट सॉ, उसी के बेसिस पे अपन एक एनालिसिस करने का ट्राई ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। चलो जैसे देयर इज समथिंग ऑन योर स्क्रीन, अभी क्या है उसके लिए बॉदर नहीं करेंगे ज्यादा, बट इसको समझने का ट्राई करेंगे। देखो यहाँ पे एज यू कैन सी देयर इज अ बैटरी, एक ही बैटरी है, किसी को दो तीन बैटरी तो नहीं दिख रही है इधर पे, या क्या है? हम लोग ने एक ऐसा रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक लिया है, उस ब्लॉक के ऊपर अपन ने कुछ इधर अच्छी सी स्ट्रिप लगा दी है, इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर, बहुत अच्छे कंडक्टर की स्ट्रिप लगी है ये, है ना? और काफी थिक है। काफी थिक क्यों है, क्योंकि हमें इनका रेजिस्टेंस बहुत कम रखना था, तो आर वी नो दैट आर इज व्हाट, रो एल बाय ए, सो हमने ए को बहुत ज्यादा रखा है जिससे हमें रेजिस्टेंस क्या मिल रहा हो, बहुत कम, ऑलमोस्ट नेगलिजिबल रेजिस्टेंस मिल रहा हो, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ से क्या करंट फ्लो होना चालू करेगा, जाएगा यहाँ तक, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। अब इसके आगे बताओ क्या लग रहा है तुम्हें, करंट के पास दो ऑप्शन है या एक ही ऑप्शन है? ये असल में इन दोनों को हमने किसी वायर से जोड़ा हुआ है, देयर इज अ वायर इन बिटवीन दीज टू थिंग्स, तो ये एक वायर है और ये एक सर्किट है, तो करंट के पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा करंट या नहीं होगा, बोलो? होगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक रेजिस्टर में जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, इधर आएगा। अब देखो यहाँ पे अगेन हमने इसको बीच में जोड़ा हुआ है एक वायर से, जोड़ा है नहीं जोड़ा है, सबको दिखाया yes, वायर, yes, sir, उसके बाद यहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूट होने के चांसेस है, फिर यहाँ पे आगे आएगा तो फिर एक रजिस्टर है, और फिर ऐसे, और फिर यहाँ पे भी दो ऑप्शन है ऐसा,
सो इफ यू रिकॉल, अगर तुम इसको चीज को ध्यान से देखो, इफ यू लुक एट इट वेरी केयरफुली, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू जस्ट सॉल्व. ऐसे ही कुछ देखने को मिल रहा है, करंट आया, दो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर उन दो को बीच में जोड़ा हुआ है किसी चीज से, देन अगेन वो आगे गया, देन वो अगेन आगे आके मिल गया है, देन अगेन इट्स गोइंग अहेड. ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशन है इधर, बोलो यस और नो. सबको दिख रहा है, दिस इज सेम काइंड ऑफ थिंग. देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे आके फिर दो ऑप्शन उसके पास, इधर आया फिर यहाँ वाला इधर मिल गया, और ये एक जोड़ा हुआ था अपन ने बाहर से. ठीक है, अभी इसकी पूरी मैकेनिज्म तुमको आती होगी, कईयों को पता भी होगी, वी विल गो इनटू दैट पार्ट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू, आई वांट यू टू थिंक ऑन योर ओन कि कैसे अपन इसका यूज कर सकते हैं, हाउ टू एक्सप्लॉइट दिस फिनोमिना. इस फिनोमिना को कैसे एक्सप्लॉइट करना है अपने को, तो इस फिनोमिना को अपन ऐसे एक्सप्लॉइट करते हैं, अपन किसी भी रजिस्टर का क्या निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एनी एनी वायर और एनी थिंग वी वॉन्ट टू. हमने कोई रजिस्टर बना लिया, कोई कार्बन रजिस्टर बना लिया, उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो हाउ वी शुड डू दिस, तो हम इस तरीके से करेंगे. अच्छा एक चीज याद रखना, वैसे मैं आगे तुम्हें बताऊंगा, बट अभी के लिए बता देता हूँ कि वाई दिस मेथड इज वेरी यूजफुल. ये मेथड आज की डेट में भी, वैसे तो काफी इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स आ गए हमारे पास, बट देन ऑल्सो दिस थिंग इज एक्चुअली वेरी गुड. वाई इट्स गुड, बिकॉज ये पता है क्या होता है, अगर ये वेट स्टोन ब्रिज बन जाता है, बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज बन जाता है, कैसा वेट स्टोन ब्रिज तो कुछ भी हो सकता है, बैलेंस अगर हो जाता है वो, सो इन दैट केस इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है. क्या नहीं करता है, कोई करंट फ्लो नहीं करता है. जब कभी करंट फ्लो नहीं करता ना इसमें, नल पॉइंट वाले केस में, जब भी सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा या किसी पॉइंट पे करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि वो काफी एक्यूरेट तुम्हें वो देगा, रिजल्ट देगा, या काफी एक्यूरेट आउटकम्स देगा, बिकॉज उसमें भी ज्यादा करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो वो कुछ भी चीज करके अपने वैल्यूज को चेंज नहीं करेगा, जितना हो सके स्टेबल रह पाएगा. ठीक है, ये कहानी है. अब इसको ध्यान से समझेंगे कि क्या है ये चीज. सो मैंने तुम्हें अभी बस कॉन्सेप्ट बताया, नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट हाउ इट विल वर्क. तो इसका नाम है, क्या नाम है इसका, पढ़ा होगा स्कूल्स में बुक्स में, मीटर ब्रिज. वी कॉल इट मीटर ब्रिज, है ना, क्या बोलते हैं इसको, मीटर ब्रिज. अच्छा इसका होल सोल पर्पस एक ही है, क्या है, why we use it, सबसे पहले तो use समझ लो, use क्या है, to find the resistance of, इसका resistance find out करते हैं हम, unknown, given by, हाँ, unknown resistor या wire किसी का भी, है ना, resistor और wire, ठीक है, किसी resistor का या wire का अपन resistance find out करते हैं. अब approach क्या रहती है वो समझो. यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले इसकी कुछ प्रिंसिपल जान लो. तो प्रिंसिपल तो तुम्हें बता दिया मैंने अभी, प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट, अभी तो पढ़ा अपन ने वेटस्टोन ब्रिज. हाँ, बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ये काम करता है ना, बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज, स्टोन ब्रिज, ठीक है, इस प्रिंसिपल पे ये काम करने वाला है. ठीक है, इजी इजी चीज है यहाँ तक. अब इसके बाद एक और चीज है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से यूज होती है, दैट थिंग इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट. क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट तुम पहले पढ़ के आए हो, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट तब जो तुमने पढ़ा था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ ड्रॉप होना, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल का ड्रॉप होना. इन अ वेरी सिमिलर वे यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कि कैसे लेंथ के साथ पोटेंशियल का ड्रॉप होता है. क्या पढ़ेंगे, कैसे लेंथ के साथ पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, और हम ये मान के चलते हैं कि हमें लीनियर रिलेशन मिलता है. कैसा मिलता है बच्चों रिलेशन, लीनियर रिलेशन. अच्छा हाउ इट्स अ सॉरी हाउ इट्स अ लीनियर रिलेशन वो भी समझ लो. यू नो फ्रॉम मून फ्लो वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है या नहीं होता है, वी इज आई आर. सो अभी वी आई आर है, सो आई इज समथिंग दैट वी कैन पुट एज कॉन्स्टेंट. आई हम कॉन्स्टेंट रख सकते हैं, कब कॉन्स्टेंट रख सकते हैं, जब रो एल बाय ए का टर्म कांस्टेंट हो, अगर इसमें खाली एल चेंज होगा तो मेरा वी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है. तो देयर इज अ वी एंड एल आर डायरेक्टली रिलेटेड. अगर तुम रो ए और आई को कांस्टेंट कर दो, सो वी और एल के बीच में तुम्हें एक कैसा रिलेशन मिलेगा, लीनियर रिलेशन मिलेगा. एंड दिस लीनियर रिलेशन विल प्रूव कि ये वी और एल का जो है ये चीज कॉन्स्टेंट रहेगी, अगर करंट कॉन्स्टेंट है तो, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कॉन्स्टेंट है तो, और एरिया कॉन्स्टेंट है तो. If these three things are constant, then you can say कि V और L को भी कैसे, V और L का ratio क्या है, constant है, ठीक है? अब same logic we'll be using today, same logic use करेंगे अपन भी, समझते हैं देखो कैसे करेंगे.
ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो मैंने बोला ना कि यहाँ पे हम दो पॉइंट्स के बीच में एक 1 मीटर का वायर ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 1 मीटर का वायर ले लेते हैं, ठीक है। इसमें थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं इसलिए मैं इतना डिटेल बता रहा हूँ। 1 मीटर का वायर ले लेते हैं और वो वायर हम ऐसा लेते हैं जो कि टेम्परेचर के साथ अपना रो ना चेंज कर रहा हो। कैसा कैसा वायर जो कि टेम्परेचर के साथ अपना रो नहीं चेंज कर रहा हो? कोई बताएगा ऐसा क्यों? व्हाई वी हैव टू टेक सच अ वायर? बोलो। क्योंकि अपने को किस कॉन्सेप्ट का यूज करना है? पोटेंशियल ग्रेडियंट का। एंड इफ वी वांट वी बाय एल रेशियो नीड्स टू बी कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या है कि आई रो और ए सर्किट में चेंज नहीं होने चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? तो अब ऐसे कौन से वायर तुमने पढ़े हैं लास्ट क्लास में या लास्ट टू लास्ट क्लास में? मेटल, सेमीकंडक्टर्स, एलॉयज, कौन सी ऐसी चीज है जो टेम्परेचर के साथ ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखाती है? एलॉय फीवर? कौन सी ऐसी चीज पढ़ी थी तुमने जब मैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी पढ़ा रहा था? इफ आई आस्क यू, ये क्वेश्चन आता है थ्योरी में, दैट एलॉयज, कौन सा एलॉय? वेरी वेल श्योर था, कौन सा एलॉय? याद है नाम? कोई भी एलॉय का नाम बता दो जो तुमने याद रखे हो बुक्स में। कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन, हाँ मैक्रो मैग्नीन, मैग्नेन ले लो या फिर कॉन्स्टेंटिन ले लो, चलो ठीक है। चलो वैसे मैग्नेन लिख दिया तो मैग्नेन काफी है वैसे तो। सो दीज आर द टू वायर्स दैट वील बी टेकिंग, है ना। इन दो वायर्स को हम लेते हैं, मतलब मेनली मैग्नीन रहता है। मैग्नीन के अलावा तुम कोई भी ऐसा एलॉय ले सकते हो जो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करे। एंड इफ क्वेश्चन इज कमिंग इन योर एग्जाम दैट व्हाई वी आर टेकिंग द एलॉय वायर, व्हाई वी आर नॉट टेकिंग द सिंपल वायर, तो उसके लिए तुम क्या बोलोगे कि ऐसा क्यों करते हैं अपन, क्यों करते हैं ऐसा? ताकि टेम्परेचर के साथ उसकी रेजिस्टिविटी में कोई चेंज ना आए। टेम्परेचर के साथ कोई उसकी रेजिस्टिविटी में ज्यादा चेंज नहीं है। अगर अच्छा तुम लोग ने कभी स्कूल में परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, स्कूल में भी तुमने किया यस होगा ना, तो सर, जो प्रोफेसर कराता है वो तुरंत तुरंत बंद कराता रहता है कि जब एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो तब बंद कर दो तुरंत सर्किट को तुरंत। यही प्रोफेसर रीजन है करवाते हैं, कि प्रोफेसर यहाँ, नहीं। हाँ यहीं पे की क्यों लगाते हैं? द ओनली रीजन इज वाई वी आर पुटिंग की हेयर, कि जब हम उसको यूज नहीं कर रहे, जब हम कुछ और काम में लगे हैं तो हम तुरंत की बंद कर दें। वी शुड नॉट पुट द की ऑन एवरी टाइम, बिकॉज उससे क्या होगा, वेरिएशन आएगा एक्सपेरिमेंट में, हीटअप होंगी चीजें। तो इसलिए हम हमेशा की लगा के रखते हैं कि तुरंत उसको ऑफ कर दें जैसे ही अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस V बाय L को अपन अगर कांस्टेंट बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, व्हाट इट रियली मींस। इसका मतलब ये है कि ये जो अपन ने वायर लिया हुआ है, ठीक है, ये जो वायर लिया है ये वायर का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, है ना। वी आर टेकिंग सच अ वायर जो जिसका कुछ तो रेजिस्टेंस है, एंड दैट रेजिस्टेंस इज डिपेंडिंग ऑन द लेंथ एंड एरिया एंड रो, इन तीनों ही चीजों पे वो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अच्छा यहाँ पे मेन रीजन अच्छा मोटा कॉपर का प्लेट लेने का क्या था, कि इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो, इसीलिए हम लोग ने इसको काफी ज्यादा एरिया वाला लिया है, इसका एरिया काफी ज्यादा लिया है, थिक लिया है, एंड वी यूज वेरी गुड कंडक्टर हियर, काफी अच्छे गुड कंडक्टर का यूज करते हैं बिकॉज इसमें हमें लेस, काफी लेस पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिले। अच्छा नाउ इफ आई लास्ट यू कि यहाँ पे मान लो एक बैटरी ई है, तो इस बैटरी के वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? लेट्स से कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेगलिजिबल है, ऑलमोस्ट नेगलिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस तुमने बैटरी ली है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट्स के बीच में कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? कैसे शांत रहेंगे? देखो इधर ये वाला अभी क्वेश्चन किया तुम लोग ने, लुक एट इट वेरी केयरफुली। मैं तुमसे पूछूं ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या बोलोगे? What will you say? अभी भी नहीं बोलोगे? 20 बोल क्यों नहीं रहे हो फिर? अरे पोटेंशियल तो सोर्स की प्रॉपर्टी है ना, और ए देखो डायरेक्ट इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 का। नाउ सेम इज हैपनिंग विद एयर, कि यहाँ पे आने के बाद भले ही करंट इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पे वापस इस स्पेस पे आके मिल रहा है, डजंट मैटर, बट ये पॉइंट डायरेक्टली बैटरी से जुड़ा है, ये पॉइंट डायरेक्टली बैटरी से जुड़ा है। So, A और B के बीच में, A और C के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितने का होगा? नहीं बोलोगे अभी भी? मैम ठीक है, कितने का होगा? ठीक है। हाँ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AC कितना है? E का। देखो इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, इससे क्वेश्चंस आते हैं काफी ज्यादा आते हैं, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियोमीटर हो गया, जितनी आजकल एप्लीकेशन बेस्ड चीजों का ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड चीजों के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एसी इज एप्साइलन, ठीक है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ओके आई एम होपिंग इज दैट क्लियर टू यू ऑल। अब एक बात समझना मेरी बात,
अब यहाँ पे ए से डी के बीच में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप मिला होगा अपने को, ये वायर है, तुम वायर में जैसे से आगे बढ़ोगे तुमको पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा या नहीं मिलेगा बताओ? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अपन ऐसा वायर कंसिस्ट कर रहे हैं जिसका खुद का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, देयर इज सम रेजिस्टेंस, अब इसके कारण अपने को पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है। और यहाँ से ए से लेके सी तक नेट ड्रॉप कितना मिल रहा है? व्हाट इज द नेट ड्रॉप? ई। तो ए से कुछ कम होता होता ई, अगर इधर पे पोटेंशियल ई है तो ई से कुछ लीनियरली कम होता 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 यहाँ पे कितना हो गया होगा? जीरो, है ना, इट इज लाइक दैट। अब देखो अपन करते क्या है, अपन एक नॉन रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, एक नॉन रेजिस्टेंस लेते हैं, क्या लेते हैं? नॉन रेजिस्टेंस। तुमने अगर स्कूल में किया होगा तुमको याद होगा, तुमने एक लिया होगा जिसको तुमने बोला होगा रेजिस्टेंस बॉक्स, उसमें ढेर सारे रेजिस्टेंस रहते हैं, जैसे की टाइप का रहता है, ढेर सारे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लेते हैं। तो अपन ढेर सारा रेजिस्टेंस लेते हैं यहाँ से, मतलब ऐसा एक नॉन रेजिस्टेंस लेते हैं, तो ये रेजिस्टेंस अपने को नॉन रहता है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेते हैं जो अपने को नॉन नहीं है, इसका अपने को रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना रहता है, ये बात। अब अगर तुम्हें बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज करना है, देन तुम्हें इस पार्ट का रेजिस्टेंस और इस पार्ट रेजिस्टेंस, दोनों के पार्ट का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नाउ इफ आई आस्क यू कि अगर ये 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 और ये बैलेंस हो गए, कैसे पता हमें बैलेंस हो गए अर्शी? व्हाट वी डिड कि हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लिया हुआ है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, बाय द वे आई विल टेल यू, इट्स अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, काफी सेंसिटिव डिवाइस है, तो काफी छोटे करंट को भी मेजर कर लेता है। एक्चुअली हम काफी छोटा अमाउंट का करंट ही मेजर करते हैं गैल्वेनोमीटर से, वी नेवर मेजर ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट, काफी छोटा करंट मेजर करते हैं। सो गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके रखते हैं, उसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो गैल्वेनोमीटर के जो एक इधर वाला पार्ट रहता है उसको अपन ऐसे ऐसे पूरे वायर में मूव कराते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे पूरे वायर में मूव कराते हैं, और एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर क्या दिखाना बंद कर देता है, कोई भी डेविएशन। जब गैल्वेनोमीटर कोई भी डेविएशन नहीं दिखाएगा, सो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि इस वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बोलो नहीं कर रहा है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? दिस इज दैट पॉइंट इज नल पॉइंट। क्या बोलते हैं अपन उस पॉइंट को? जैसे ये भी क्वेश्चन आता है, दिस कैन कम नल पॉइंट, क्या आता है क्वेश्चन? नल पॉइंट। तो नल पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट जहां कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो, हां, एट द पॉइंट ऑन द वायर, ऑन द वायर वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। सो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता, वी विल टेक दैट पॉइंट। अब जैसी गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया, तो इसका मतलब तुम लोग समझ गए हो कि यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे तुम्हें क्या मिल चुका है? यू फाइनली गॉट अ बैलेंस विट स्टोन ब्रिज, जिसमें तुम्हें आर नहीं पता है, एस तुम्हें पता है, अच्छा ये भी तुम्हें पता है, कैसे पता है वो ध्यान से देखना। इसका लेंथ तुमने मेजर कर लिया, ये लेंथ मान लो तुमने मेजर किया, तो तुम्हें ये मिला एल, स्केल में लगा रहता है, इसके बगल में मीटर स्केल लगा के रखते हैं, इसलिए इसको बैलेंस विट स्टोन ब्रिज बोलते हैं, मीटर ब्रिज सॉरी, इसलिए इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मीटर का अपन लेते हैं यूजुअली, तो एक मीटर है, यहाँ से तुमने ये लेंथ मेजर कर ली, तुम्हें ये लेंथ पता है, अब ये लेंथ पता है तो तुम्हें ये लेंथ भी पता है, और ये वाला वायर तुमने अपनी मर्जी से लिया था, तो तुम्हें वायर का रो भी पता है और तुम्हें वायर का ए भी पता है, बोलो पता है नहीं पता है? सो अभी अगर मैं तुमसे पूछूं, इफ आई लास्ट यू टू अप्लाई द बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट, एक बार कॉन्सेप्ट लगाओ बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज का मेरे साथ साथ, यहाँ पे व्हाट वी आर अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट, बैलेंस विट स्टोन ब्रिज, विट स्टोन ब्रिज, तो बैलेंस विट स्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन क्या थी अभी तुमने प्रूव करी थी, क्या लिखूंगा मैं, मान लेता हूँ फॉर द टाइम बिंग मैं मान लेता हूँ इसका रेजिस्टेंस मान लो है आर वन, इसका मान लो आर टू है, पार्ट का मान लो कि आर वन पार्ट का रेजिस्टेंस है आर वन, मतलब एल पार्ट का आर वन है, 100 माइनस एल पार्ट का आर टू है, तो बैलेंस विट स्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या बोलती है, व्हाट इट सेज, क्या लिखूंगा मैं, बोलो व्हाट यू विल से, ऑल राइट, फिर से बोलो, अब यहाँ पे आर वन आर टू आर थ्री नहीं है, जो जो अपन ने लिया है उसके उसकी रेफरेंस में बोलो, आर बाय एस इज इक्वल टू एल बाय 100 माइनस एल। अभी ये देखो, अभी डायरेक्ट 100 माइनस एल पे जब मत करो प्लीज, उसको मेरे को प्रूफ कराना है, आर बाय क्या सर, आर वन,
आर बाय आर वन ले लो इक्वल्स टू एस बाय आर टू। देखो मैं क्यों ऐसे प्रूफ करा रहा हूँ ना, बिकॉज इन क्वेश्चन दे कैन गिव यू कि हमने आधा वायर कुछ और लिया आधा कुछ और लिया, ऐसा बोल सकते हैं जहां पे नल पॉइंट मिला है वहां से उन्होंने कुछ और वायर ले लिया। क्वेश्चन कैन कम इन अ वेरी इन अ वैरायटी ऑफ वेज, सो लेट्स ट्राई टू डू इट वेरी ग्रेजुअली। चलो सो अब आर वन को अपन क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट आर वन, आर वन को अपन क्या लिख सकते हैं, रो एल बाय ए, कैन आई राइट दिस? Yes, what yes. will be the S? S तो अपने को पता है. What is R R two? What I can write in place of R two? Rho 100 minus L by A. Rho 100 minus L by A. Now can I cancel rho and A? Yeah, I can cancel. I think rho and A. So what we'll be getting all in all? Yes. क्या मिलेगा हमें यहाँ से relation? R upon L is needs to be equal to S upon 100 minus L. ठीक है? अच्छा ऐसा कुछ लॉजिक नहीं कि तुम 100 लेके ही करो, यहाँ पे हम लोग ने 100 क्यों लिया क्योंकि वी आर मेजरिंग इन सेंटीमीटर, तुम 1 लेके भी कर सकते हो, 1 लेके ही करना, उससे जल्दी सॉल्व होता है पेपर में। मैं तो 1 लेके करता हूँ, ठीक है? यू कैन टेक एनी वैल्यू यू वांट टू टेक, बिकॉज दोनों साइड इधर भी सेंटीमीटर है इधर भी सेंटीमीटर है, तो कन्वर्जन तुम कुछ भी लगाओगे डिपेंड नहीं करेगा उससे, आंसर विल यू कैन चेंज अकॉर्डिंगली। ठीक है बताओ क्लियर है सबको ये कॉन्सेप्ट मीटर ब्रिज का, क्या करते हैं अपन इससे, नल पॉइंट क्या होता है? देखो क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, नल पॉइंट क्या होता है, अभी इसका एरर वाला एक पार्ट कर लेंगे, थोड़े से कुछ थ्योरी के पॉइंट में लिख के लाया हूँ वो मैं डिस्कस कर लूंगा तुम्हारे साथ, बिकॉज थ्योरी पार्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं उससे क्वेश्चन आते हैं थ्योरी से इसकी। ठीक है पहले इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, देखो व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग, इन द गिवन फिगर द जीरो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर ऑफ द मीटर ब्रिज फाइंड द लेंथ ए बी। ठीक है तुम्हें इधर R1 और R2 दिया हुआ है उसने, मतलब उसने तुम्हें जो रेजिस्टेंस फाइंड करना था उसका भी रेजिस्टेंस दिया है, जो उसने लगाया है अपनी साइड से रेजिस्टेंस उसका भी उसने दिया है। देखो फॉर्मूला मत लगाना प्लीज, लॉजिक लगाना। आया क्या किसी का आंसर? इजी है, वेरी इजी है स्तुति, कम ऑन दिव्या, एनीवन, श्वेता? 0.6 मीटर आएगा। 75 सेंटीमीटर। नहीं, अमन का गलत आया, रुचि का तो सही आया है। देखो करते हैं कम ऑन। सो इन द गिवन फिगर द जीरो डिफ्लेक्शन, तो तुम्हें पता है मान लो ये लेंथ क्या है, एल है, ये कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एल, अगर मीटर्स में ले रहे हो तो यू कैन डू इट एनीवेयर, तो 100 लेके करो कोई दिक्कत नहीं, मिलीमीटर डेसीमीटर लेके करो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस देख लेना कि ऑप्शन में कैसा दिया गया आंसर। ठीक है सो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर, वी कैन राइट आर वन अपॉन एल नीड्स टू बी इक्वल्स टू आर टू अपॉन 1 माइनस एल। बोलो चलेगा सबको ये चीज? यस सर। इफ आई एम राइटिंग इट नो इश्यूज, नो 40 सेंटीमीटर। देखो पूछा क्या गया, उनने ए बी पूछा है, सो आई डोंट थिंक जो ए बी 40 आना चाहिए। देखते हैं लगाते हैं, ए बी क्या है, एल है, ए बी को मैंने एल माना है, यूजुअली ए बी पूछते हैं हमेशा लेफ्ट हैंड से ही मेजर किया जाता है जनरल वे में, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो तुम लेफ्ट हैंड से लेना, अगर मेंशन है तो बात ही खत्म, उन्होंने दिया ही बड़ा बड़ा ए बी है। सो आर वन कितना 15, एल तुम्हें फाइंड करना है, आर टू कितना है 10 अपॉन 1 माइनस एल, काट देते हैं इसको थोड़ा सा, तो 5 2 10 5 3 15 3 3L इक्वल्स टू 2L, यहाँ से क्या आ रहा है देख के बताओ जरा, 5L 3, तो L कितना आ रहा है 3/5, मेरा तो 3/5 आ रहा है यार, और मैंने वैल्यूज किस में ली हुई है मीटर में, सो इफ आई कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर व्हाट आई विल बी गेटिंग 3/5 इनटू 100 कितना आएगा 60। तुम लोग क्यों गलत आंसर दे रहे हो मुझे ये बताओ, हैं माना तुमने राइट हैंड निकाला बट द क्वेश्चन इज आस्किंग स्ट्रिक्टली लेफ्ट हैंड, उसने बड़ा बड़ा मेजर किया है ना कि ये भी बताओ मुझे, क्लियर है सबको? एक क्वेश्चन और करो उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इट्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर ओनली, ये करो मैं रीड आउट करता हूँ। सो द क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए,
if now a resistance of 10 ohm is connected in parallel with R2, थोड़ा कुछ लोचा किया इधर. The null point occurs at 50 centimeter. Determine the values of R1 and R2. Very good. किसी को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा ना तो गाइस प्लीज डू लेट मी नो. है ना मानसी, मानसी सो रही हो तुम आज? नो सर, आ रहा है समझ में. ओके ओके ओके, सोना नहीं यार कोई अभी प्लीज. मनोज आंसर बता भाई जल्दी. मैं कह रहा हूँ क्या सॉल्व नहीं हो रहा तो श्रेजल इतना कर रहे हैं. कर लो अच्छा कर लो. करो जल्दी कर लोगे यार जल्दी तो मैं पोटेंशियल पोटेंशियोमीटर भी आज ही खत्म करा दूंगा. अमीटर और वोल्टमीटर सोच रहा हूँ. और R2 15. फिर से बोलो. R1 10 एंड R2 15. एक तो सही आया एक गलत आया शायद जी. देखते हैं लिखा है आंसर नीचे. मैं देखता हूँ, मैं जान में चांसेस नीचे लिख के लाया हूँ. प्लीज गड़बड़ ना हो. कम ऑन गाइस. अच्छा कोई ऐसा तो नहीं है ना, आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, कोई अगर ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा क्या अप्रोच लगाऊं सर क्या लिखूं कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो वो लोग प्लीज बोल देना है. 12.5 सेंटीमीटर. 12.5 फ्रैक्शन में बता कितना आएगा. क्या अभी तक 12.5 में क्या समझू, R1 बता रहे हो R2? R2 बता रहे हैं सर. 50/4 आ रहा है R2. 50/4 बोले तो 225/2. नहीं, ये नहीं है. करेंगे मैं करूं. अमन का आया सर समझ नहीं आया. कोई नहीं अर्शी अभी समझ में आएगा. देखो नो सर. देखो चलो 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 देखो इधर अमन हो जाना चाहिए था भाई, सेटअप नहीं है क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना रुचि R2 5 आएगा. एक तो शायद 5 आ रहा है, देख लेते हैं. हां R2 5 आएगा. yes. देखो अभी इधर चलो. देखो लेट्स ट्राई टू सॉल्व, इट्स नॉट वेरी टफ. देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन. कह रहा है इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. मतलब ये डिस्टेंस उसने तुम्हें दे दी है 40. लेट मी राइट इट आउट हियर. आई राइट इट हियर. ये दे दिया उसने 40. ठीक है फिर क्या कह रहा है इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन अ पैरेलल विद R2. अब उसने थोड़ा इधर चेंज किया है क्वेश्चन. क्या बोला उसने कि अब हमने क्या किया, यहां से एक पैरेलल में 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है R2 से. जब अपन ने पैरेलली लगाया है देन व्हाट हैपेंड, द नल पॉइंट अकर्स एट 50 सेंटीमीटर. तो जो नल पॉइंट 40 पे मिल रहा था वो किस पे मिल रहा है, द न्यू नल पॉइंट इज एट 50 सेंटीमीटर. अभी क्वेश्चन क्लियर है अर्शी? Yes, yes, sir. Again, you just have to keep in mind the balance with this point. If you have to balance it, पहले केस के लिए क्या लिखोगे? So you'll be writing for first equation. For first case. What I can write for the first case? बताओ अब try करो मुझे अच्छा बोलने का equation. What I can write for the first case? क्या लिखूंगा मैं first case के लिए? R1 upon 40 needs to be equals to what? R2 upon? 60. 2 2s are 4, 2 3s are 6. So I can write it as 3R1 equals to 2R2. ये आ गई equation 1. ठीक है? Now, let's see on to the second equation. So for case 2. Now for second case, what I can write? Case 2 में क्या हो गया? Case 2 में देखो थोड़ा गड़बड़ सा कुछ हुआ है. उसको अब ध्यान से करेंगे. So what happened in the case 2? पहले के लिए तो क्या लिखूंगा मैं? R1 upon 5, 50. है ना? I have to write R1 upon 50. R2 के लिए क्या लिखूंगा अब मैं? Now R2 I cannot write directly. तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 10 R2 upon R2 plus 10 upon 50. बोलो. अर्शी अर्शी क्लियर है? दिव्या पीयूष यस सर. उसको आ गया समझ. डीडी आया. मनोज मानसी यस सर.
चले यार समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ श्वेता? 50 and 50 आई कैन कैंसिल आउट डायरेक्टली, रुचि देखना सही कर रहा हूँ मैं, कुछ गड़बड़ हो बताना। चलो लेट्स सब्स्टिट्यूट सम वैल्यूज है, कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 10 R2 अपॉन R2 प्लस 10 R1, ठीक है। नाउ यहां से R1 की वैल्यू उठा के इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो व्हाट वी विल बी गेटिंग, R1 की जगह आई कैन राइट 2 R2 by 3, 10 R2 अपॉन R2 प्लस 10। बोलो कैन आई राइट दिस, 2 5s are 10? यस। अब तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, लेट्स सॉल्व इट आउट। अच्छा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे तुम लोग कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखते हैं तुमको, तो तुम ये R2 डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देते हो, कर देते हो या नहीं कर देते हो? Yes. बट याद रखना एग्जाम में अगर ऐसा हो सकता है, इट माइट पॉसिबल, जैसे इस पर्टिकुलर केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 2 आंसर आएंगे, बट ऐसा कई बार हो सकता है कि तुम्हें दोनों ही पॉजिटिव मिल रहे हो और तुम अगर नॉर्मल सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें एग्जाम में तुम्हारा सही आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने को इसको लॉजिकली कैसे सॉल्व करना चाहिए ना, विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को पूरी इज्जत देते हुए इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, इस पूरे का इधर से मल्टीप्लाई कराना चाहिए, इस पूरे का इधर से, तो अपने को R2 के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, R2 के 2 वैल्यूज आएंगी, तो दो बहुत वैल्यूज आर ट्रू, कुछ भी हो सकती है वो वैल्यू। इस केस में पर्टिकुलर तुम सॉल्व करोगी तो क्या होगा, दूसरी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो उसी लिए उसको लेते नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है। बट याद रखना कभी एग्जाम में तुम ऐसी चीज कर रहे हो तो ध्यान से देख लेना कि अगर क्वाड्रेटिक बन रही है तो क्वाड्रेटिक की तरह ही उसे सॉल्व करो, बिकॉज इट माइट पॉसिबल कि उन्होंने दूसरा वाला आंसर के लिए अप्रोच किया हो इस क्वेश्चन को, और वो उन्होंने जो तुम्हें डायरेक्ट कैंसिल करके आएगा वो तुम्हें ऑप्शन में कहीं ना कहीं बनो, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी है जो एग्जामिनर यूजली करता है एग्जाम में, तो मैंने तुम्हें बताया। नाउ लेट्स सॉल्व इट आउट, कितना आएगा देखो, अपन तो डायरेक्ट काट देते हैं क्योंकि मेरे को पता है ऐसे सॉल्व हो जाएगा इधर। सो 15 R2 प्लस 10, तो R2 देखो कितना आ गया यहाँ से, 5, R2 यहाँ से 5 आ गया, सो नो डाउट R1 विल बी, इफ आई सब्स्टिट्यूट फ्रॉम हियर व्हाट आई विल बी गेटिंग, 10 by, बोलो इज दैट क्लियर टू यू ऑल? देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में दीज आर द पॉसिबिलिटीज, बट अभी अपन ने अगेन आई एम सेइंग, मैंने दो केसेस जो दोनों तुम्हें कराए हैं वो दोनों बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के थे, देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि बैलेंस ना हो व्हीटस्टोन ब्रिज, सो वी विल बी यूजिंग केसीएल के लिए, उसके क्वेश्चंस वी विल बी डूइंग इन द मेन सेशन, एक प्रैक्टिस सेशन लूंगा मैं, एक बार पोटेंशियोमीटर खत्म हो जाए, आधा आज करा लेता हूं, आधा कल करा लूंगा, सो एज सून एज द पोटेंशियोमीटर इज ओवर वी विल बी मूविंग टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट, ठीक है। क्या करूं, पोटेंशियोमीटर अभी स्टार्ट करा दूं या नेक्स्ट क्लास में करोगे? ये अभी पूरा तो नहीं हो पाएगा, because there are three cases, so we won't be able to do all the three cases today. सर नेक्स्ट क्लास में करा देना सर, फिर अच्छे समझ नहीं आती, क्योंकि हाँ तीन केसेस हैं, 1, 2, 3। अच्छा हाँ, इससे एक रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अरे रुक जा रुक जा, मैं कैसे भूल सकता हूँ ऐसी चीज, देखो इधर जल्दी जल्दी ध्यान जल्दी ध्यान से, कोई लीव तो नहीं किया किसी ने, आ गए क्या बच्चे जरा इस देर में? देखो अब थोड़ा थ्योरी पे बात करते हैं, कुछ चीजें हैं ऐसी जो तुम्हें बुक में नहीं मिलेंगी, तो याद रखना ये प्योरली, ये जो अभी चीजें लिखने जा रहा हूँ ना, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, याद रखो। सबसे पहले बात करते हैं, मैं लिख के लाया था एक्चुअली ये चीजें, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ पढ़ाना, थ्योरी पार्ट है, तो सबसे पहले बात करते हैं एरर्स की, क्या बात करते हैं, errors and their removal, ठीक है। पहले थ्योरी वाली बात कर लेते हैं, फिर अपन मैथमेटिकली देखेंगे कि एरर कैसा दिखता है, कैसा मेजर करते हैं, कैसे हटाते हैं। अब कौन कौन से एरर्स होते हैं पहले तो वो समझो। सबसे पहला एरर जो होता है वो क्या होता है, द फर्स्ट एरर दैट यू यूजली मेजर, वैसे तो इससे काफी एक्यूरेट मेजरमेंट होती है, कभी भी नल पॉइंट वाले किसी भी डिवाइस से काफी एक्यूरेट मेजरमेंट होती है, बट अगेन बिल्कुल एक्यूरेट तो हो नहीं सकती, तुम जो भी कर रहे हो नथिंग कैन बी पॉसिबल कि वो बिल्कुल एक्यूरेटली ही हो जाए, तो बिल्कुल एक्यूरेटली नहीं होती है चीजें, तो उसमें कुछ एरर्स आते हैं, दिस कैन कम डायरेक्टली टू योर क्वेश्चन, काफी थ्योरी क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, तो याद रखना। जैसे पहला अपन लेते हैं कि रेजिस्टेंस जो भी होता है, सो रेजिस्टेंस ऑफ जो भी इनका रेजिस्टेंस है, ऐसे इनका रेजिस्टेंस है, इसको अपन ने क्या कर लिया था, कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर लिया था या नहीं कर लिया था, बोलो
वी हैव नेग्लेक्टेड देयर रेजिस्टेंस कंप्लीटली, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, बट अगेन इट इज इम्पॉसिबल. इनका भी अपना खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा, बोलो होगा या नहीं होगा, इन तीन प्लेट्स का कुछ रेजिस्टेंस. तो ये तीन प्लेट्स का रेजिस्टेंस के कारण इशू आता है, और इसको दूर कैसे करते हैं, क्वेश्चन में कैसे रहेगा वो मैं बता देता हूँ. क्या होता है, रेजिस्टेंस पहले लिख देता हूँ, लेट मी राइट आउट इट. रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर प्लेट्स नीड्स टू बी कंपनसेटेड. तो जो भी उनका रेजिस्टेंस है कॉपर प्लेट का, अपने को वो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. कहाँ पे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, कैसे कॉम्पनसेट करेंगे उसको समझना. इसको अपन क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं अपन, ये टर्म आता है इस तरीके से क्वेश्चन में अगर आएगा तो, इसको बोलते हैं एंड रेजिस्टेंस. क्या बोलते हैं, एंड रेजिस्टेंस. और ये क्वेश्चन में तुम्हें कैसे देगा पता है, जैसे वो बोलेगा कि इट्स अ मीटर ब्रिज, और बोलेगा कि टेक एंड रेजिस्टेंस इज 0.2 मीटर या टेक एंड रेजिस्टेंस इज 0.3 मीटर. तो मैं जो बोल रहा हूँ, कोई मेरी जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, क्या कोई उसका मीनिंग समझ पा रहा है? सर सीरीज में ले लेंगे ना वो जो आर. नहीं, वो रेजिस्टेंस नहीं देगा, मैं तुमको वही बोल रहा हूँ, वो तुम्हें रेजिस्टेंस नहीं देगा लिख के, वो तुम्हें देगा एंड रेजिस्टेंस इज 2 मीटर. मीटर देगा किस यूनिट में देगा, 0.2 मीटर, 0.3 मीटर, 0.4 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ऐसा देगा. तो इसका मतलब क्या है वो समझना. इसको अपन मेजर करते हैं एक्चुअली, इक्विवेलेंट क्या बोलते हैं इसको अपन, एड इट एज, लेट मी राइट आउट एज, एडेड एज एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द वायर. तो क्या होता है, वो तुम्हें लेंथ में देगा. तो इसका मतलब क्या है, एंड रेजिस्टेंस अपन ऐसे मेजर करते हैं कि वैसे तो एक मीटर था, बट जो भी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ना, अपन उसको क्या करते हैं, इस लेंथ के साथ जोड़ के लिख देते हैं. वो तुम्हें लेंथ के बेसिस पे अगर देता है तो, अगर डायरेक्टली एक ओम दो ओम लिख के देता है तो तुम सीरीज में उसको जोड़ के वो पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करा लोगे, दैट इज यू नो. बट अगर वो तुम्हें नहीं देगा तो कैसे देगा, वो बोलेगा कि एंड रेजिस्टेंस है मान लो 20 सेंटीमीटर. उसने बोला कितना है, 20 सेंटीमीटर का है. तो तुम जो भी अब कैलकुलेशन करोगे, यहाँ पे तुम एल की जगह क्या रख रहे होगे, एल प्लस 20. तो तुम्हारा टोटल वायर अब कितने का बन जाएगा, 120 सेंटीमीटर का. आया बात समझ में? Yes, what you will be do, जो भी तुम इस एंड रेजिस्टेंस को मेजर करोगे, ये तुम कैसे मेजर करोगे, इसको एज एन एक्स्ट्रा लेंथ. देखो मैंने लिखा है एडेड एज एन एक्स्ट्रा लेंथ. सो तुम एक्स्ट्रा लेंथ में जब इसको मेजर करोगे, सो योर नेट लेंथ विल बिकम, नेट लेंथ कितनी हो जाएगी, नेट लेंथ ऑफ द वायर जो भी L प्लस जो भी वो डेल्टा L देगा, ठीक है. तो दिस विल बिकम योर नेट लेंथ. तो तुम इसको लेके फिर पूरी कैलकुलेशंस करना. क्लियर है बात? अभी तो पहला हो गया एरर. अब ये पहला एरर था, तुमने उसका रिमूवल भी देख लिया, एरर भी देख लिया. अब दूसरा एरर देखो. दूसरा एरर किस लिए आता है, यहाँ पे जो तुम जॉकी यूज करते हो, जॉकी पता है ना इसको क्या कहते हैं, आई हैव नॉट रिटन हियर, इसको जॉकी कहते हैं. क्या कहते हैं, जॉकी कहते हैं. तो जॉकी जो अपन यूज करते हैं ना, जॉकी के लिए एक चीज याद रखना, जॉकी में क्या होता है, जॉकी काफी पॉइंटेड नाइफ सा रहता है. पॉइंटेड इसलिए रहता है बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि वो दो चार जगह पर टच करे, क्योंकि अगर वायर को दो चार जगह पर टच करेगा, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा ऐसा फिंगर है, एंड इफ माई फिंगर इज टचिंग हियर, तो वायर को ये टच कर रही है एक पॉइंट पे नहीं, ऐसा कुछ दो चार पांच छह पॉइंट पे टच कर रही है. तो यहां से लेके यहां तक मान लो इसकी विड्थ ही एक सेंटीमीटर की, तो अभी मैं एक सेंटीमीटर की उंगली से ही टच कर रहा हूँ, तो एक सेंटीमीटर पे भी तो ड्रॉप मिल रहा होगा. तो यहां से कुछ और ले रहा होगा, यहां से कुछ और पोटेंशियल मेजर करेगा. तो इसलिए अपन क्या करते हैं, बहुत पॉइंटेड लेते हैं. अब पॉइंटेड भी लेते हैं तो हमेशा याद रखना, ये भी थ्योरी में आता है कि कभी भी ना जॉकी अपन इस पे ऐसे स्लाइड नहीं करते हैं. तुमको एक्सपेरिमेंट में बताई भी होगी सर ने, हम हमेशा क्या करते हैं, जॉकी ऐसे उठा उठा के रख रहे होते हैं, ऐसे उठा उठा के रख रहे होते हैं. क्यों ऐसे उठा उठा के रखते हैं, उठा के रखते हैं क्यों, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना होता है कभी स्लाइड नहीं करो, ना ज्यादा उसको दबाओ. क्यों नहीं दबाओ, बिकॉज वायर का हमें क्या रखना था कॉन्स्टेंट, मैंने इधर लिखाया था, नहीं लिखाया था तुमको सर, एरिया. हाँ, वायर का देखो अपने को रो और ए कांस्टेंट रखना था. वी स्ट्रिक्टली वांटेड टू कीप कांस्टेंट रो एंड ए. सो कभी क्वेश्चन आए कि व्हाई वी यूज की इन द सर्किट, सो की किस लिए यूज करते हैं, जिससे जब यूज ना हो तो हम उसको बंद करते हैं, जिससे मेरा टेम्परेचर ना बढ़ रहा हो तो रो ना चेंज हो वायर का, पहली चीज. फिर क्वेश्चन आएगा कि जॉकी, व्हाई वी नॉट पुश जॉकी टू हार्ड, व्हाई वी यूज पॉइंटेड जॉकी, या मतलब जॉकी से रिलेटेड कुछ भी चीजें आए. तो याद रखना, जॉकी हम हमेशा ऐसी लेते हैं कि वो मेरे वायर को स्क्रैच ना करे ज्यादा, वो मेरे वायर को स्क्रैच नहीं करे, बिकॉज स्क्रैच करेगी, अगर तुमने इसको इधर से स्क्रैच कर दिया थोड़ा सा, तो ये क्या होगा, इसका इस पोर्शन से एरिया क्या हो जाएगा, कम. और एरिया कम होते ही क्या हो जाएगा, उसका
मेजरमेंट एरर आ जाएगा। इसको अपन ना काफी ज्यादा प्रिसाइजली मेजर करते हैं, बिल्कुल एरर एनालिसिस लेते हुए बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशंस करते हैं हर चीज में। ये इसमें मीटर ब्रिज में और तुम्हारा पोटेंशियोमीटर में काफी प्रिसाइज कैलकुलेशंस होती हैं इनसे, ठीक है। तो याद रखना, दूसरा एरर मैंने तुम्हें क्या बताया, जॉकी जॉकीज नाइफ एज, क्या लिख के लाया हूँ, जॉकीज नाइफ एज इज नीड नॉट टू बी नॉट टू बी पुश्ड हार्ड हार्ड ऑन वायर, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब जॉकी से रिलेटेड एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या एरर है वो समझना। क्या होता है, जैसे तुम्हारा मीटर ब्रिज है, अब तुम जॉकी मेजर कर रहे हो, तो भले ही स्केल यहाँ पे लगा है, बट तुमने ये चीज जब खुद ही मेजर कर रहे होगे तो तुम लोग ने मेजरमेंट के टाइम पे ध्यान रखा होगा। जैसे किसी ने अगर वोल्ट मीटर देखा होगा तो वोल्ट मीटर में देखा अंदर मिरर लगा रहता है, किसी ने नोटिस किया कभी वोल्ट मीटर में मिरर, जो स्कूल में वोल्ट मीटर रहते हैं अच्छे वाले उनमें मिरर लगा होता है, देखा कभी मिरर वोल्ट मीटर या मीटर में नहीं देखा किसी ने मिरर लगा हुआ पीछे? नो सर। ओ तुम लोग ने मिरर नहीं देखा, तो एक्चुअली मिरर रहता है उसमें, मिरर इसलिए रहता है जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान ले ये मेरी बात समझना, ये मान लो चार रीडिंग्स है, ठीक है, ये चार रीडिंग्स है। अब मैं वोल्ट मीटर की जो सुई है, मान लो दिस इज द निडल, तो अभी मैं तुमसे निडल पूछूं तो निडल तुम्हें कौन सी उस पर दिख रही है, निडल किस पे रखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस पे, इससे मेरी पिंकी से मेजर करना, मेरी पिंकी से, अरे मेरी पिंकी फर्स्ट है, चलो सेकंड पे, सेकंड पे, अच्छा अब बताओ किस पे रखी है, रखी तो वैसे सेकंड पे ही है बट थर्ड जैसा लग रहा है, थर्ड जैसा लग रहा है, सो यही होता है, यही होता है। तो क्या होता है, जैसे अपन मेजर कर रहे हैं से देखा करते हैं ना, तो जब भी मीटर को देखते हैं, तो मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ। तो क्या होता है, इसीलिए वोल्ट मीटर में कभी देखना तो इधर नीचे मिरर की स्ट्रिप लगी होती है, तो मिरर की स्ट्रिप इसलिए लगी होती है कि तुम इसका रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली इसके ऊपर रख पाओ, तो तुम्हें एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट हो कि हाँ ये दोनों एक लाइन में, इसलिए। तो ये एरर क्या अपन मीटर ब्रिज में सॉर्ट आउट नहीं कर पाते, तो उस वजह से क्या होता है कि जब अपन जॉकी रख रहे होते हैं, व्हेन एवर वी आर पुटिंग अ जॉकी, तो हमने जॉकी जहाँ पे रखी है वो वहाँ पे एक्चुअल मेजरमेंट नहीं दे पाता है, वो वहाँ पे एक्चुअल मेजरमेंट नहीं दे पाता है कोई और। जैसे अभी मानसी को बोलूंगा तो वो इधर ये मेजर कर देगी, खुशी को बोलूंगा तो वो ये मेजर कर देगी, रुचि कुछ और मेजर करेगी, तो देयर कैन बी सम एरर्स। तो ये जो एरर होता है इसको अपन क्या बोलते हैं वो समझना, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है वो भी देख लो। तो दिस इज, अरे कहाँ गया यार, ओके कूल, सो दिस एरर इज नोन एज, वो तो मीन वैल्यू लेकर करते हैं ना जब चार से पांच वो तो अपन करते हैं 10-12 रीडिंग, बट ये एक एरर होता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको इधर ही लिख देता हूं मैं, कि जॉकी का नाइफ क्या होता है, नाइफ एंड इज नॉट इन लाइन विद द इंडेक्स पॉइंट, विद द इंडेक्स पॉइंट। और इसको रिमूव करने के लिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन इसलिए रखा है कि इसको प्रिसाइजली अपन 2-3 रीडिंग लेके एवरेज वाला काम नहीं करते, मतलब वोट आउट वो तो करना ही करना है, वो तो फिक्स है। इस चीज को दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं पता है, याद रखना, अपन आर और एस की पोजीशन चेंज करते हैं, क्या करते हैं रुचि, वी चेंज द पोजीशन ऑफ आर एंड एस, आर और एस की पोजीशन चेंज करके सेम कैलकुलेशन करते हैं, आर और एस की पोजीशन चेंज करके। ऐसा इसलिए होता है रुचि, अभी जैसे तुमने मान लो यहाँ से मेजर किया, तुमने यहाँ से अभी एक बार मेजर किया कितना, लेट्स से 40.1, कितना मेजर किया 40.1, तो जब तुम इसको पलट रही हो, तो पलटने के बाद जब तुम फिर से यहां से मेजर करोगी तो कितना आना चाहिए, ये कितना आना चाहिए बताओ, 59.9 आना चाहिए, यस सर, नहीं आता है तो तुम क्या करोगी, तुम पलट के फिर से मेजर करोगी, इज दैट क्लियर, यस सर। ये चीज होती है, सो अपन इस चीज को, एरर को दूर करने के लिए क्या करते हैं, सब याद रखना, ये इससे क्वेश्चन आते हैं, तो ये सच में ऐसी चीजें बच्चों को नहीं आती है, इवन कई लोगों को नहीं आती है सर, ये नहीं बताया था हमें एरर वाला, ये नहीं बताया जाता है, इसमें भी बहुत कूल चीज है, मैं मेरे को वो भी तुम्हें बतानी थी, इसको अपन कैसे यूज करते हैं, याद रखना, वी एक्सचेंज द रजिस्टर, नोन एंड अननोन रजिस्टर, नोन एंड अननोन रजिस्टर, ठीक है। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है, इसको तो बिल्कुल ऐसे छपा लेना दिमाग में जो तुम कभी ना भूलो। अगर तुमको याद हो, when you were learning the error analysis, जब तुम error analysis पढ़ रहे थे, तो तुमने error analysis में देखा होगा, जैसे for example, अभी मैं ये calculate कर रहा हूँ, कहाँ गया मेरा, if I am calculating this,
मैं मान लो यहाँ पे ये आर कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मेरा जो आर है वो किस किस पे डिपेंड करने वाला है, एल एस अपॉन 100 माइनस एल पे करने वाला है, नहीं करने वाला है, बोलो। यस सर। तो मेरे एरर्स मेरे किस किस से पॉसिबल है, अगर मैं इसका डेल्टा आर लिखने को बोलूं तुमसे, डेल्टा आर अपॉन आर, ऐसे लिखते थे एरर, तो क्या मुझे लिख के बता सकता है कोई बच्चा, एनीवन, किसी को पता है डेल्टा आर अपॉन आर कैसे लिखते हैं? ये एरर है, पढ़ा होगा 11th क्लास में, नहीं पढ़ा है तो ये क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल ऐसे ही वो लिखते हैं, प्लस डेल्टा 100 माइनस एल अपॉन एल, और प्लस और किसका एरर पॉसिबल है भाई? सर वो एस वाले का। एस वाला क्या है? रेजिस्टर। डेल्टा एस अपॉन नॉन रेजिस्टर। चलो मान लो इसका इसका एरर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बिकॉज वो मशीनड है, वो बाजार से तुम खरीद के लाई हो तो तुम्हें उस पर पूरा ट्रस्ट है, बट अभी ये कैलकुलेशन एरर्स है, डेल्टा एल अपॉन एल 100 माइनस एल अपॉन एल, तो जो नेट परसेंटेज आता है कभी तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए आए तो तुम ऐसे ही निकाल लेना है ना, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस इसका वाला जो ये भी है, एल अपॉन 100 माइनस एल इंटू 100, तो ऐसे तुम नेट एरर परसेंटेज निकाल सकते हो। तो जो टॉलरेंस लिख के आता है अगर तुम्हें याद हो, रजिस्टर जो बाजार से खरीद के लाते हो, प्लस माइनस 30% 40%, वो कैसे आ रहा होता है? अभी क्लियर है तुम लोग को वो कैसे आ रहा होता है कि प्लस माइनस, जो पढ़ा था ना जब कार्बन रजिस्टर पढ़ा रहा था मैंने, टॉलरेंस बताया था, yes, तो वो सब एरर्स ऐसे ही आते हैं। अब इस पे एक बहुत ही प्यारा तुमसे एक बस सब्जेक्टिव चीज बताता हूँ, फिर अपन लीव करते हैं क्लास। अब देखो यहाँ पे तुमको क्वेश्चन पूछना चाहिए था मुझसे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं तुम्हें एनिमेशन दिखा देता। देखो यहाँ पे जैसे तुमने बुक में देखा होगा या तुमने जब एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, तो यहाँ पे अपन एक रजिस्टर नहीं रखते हैं, पूरा का पूरा रजिस्टर बॉक्स रखते हैं इस जगह पे, क्यों रखते हैं कोई बताएगा? कोई बताएगा कि यहाँ पे क्यों नहीं रखते हैं? चलो मैं बताता हूँ, डिफरेंट वैल्यू लेने। नहीं नहीं मेरी बात समझो, हम क्या चाहते हैं हमेशा, हम चाहते हैं कि हमारा जॉकी जितना हो सके सेंटर में आए, जितना हो सके कहाँ पे रहे, सेंटर में। तो ऐसा पॉसिबल है कि रुचि जो बाजार से खरीद के लाई है रजिस्टर, उसकी वजह से सेंटर में ना आके इधर कहीं आ रही है या इधर कहीं आ रही है, तो वी डोंट नो, चाहते हैं जितना हो सके सेंटर में रहे। और मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसा हम क्यों चाहते हैं, अब वो जल्दी से देख लो, वो यही एरर को दूर करने के लिए, लास्ट वाला जो एरर है ना, इस एरर को दूर करने के लिए, ये वाला जो एरर है मेजरमेंट एरर है, इसको दूर करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर, चलो मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं तुम्हें कैलकुलेट करके बता दूंगा, बट तुम इसको अपने घर पे भी कैलकुलेट कर लेना। मान लो जैसे पहला केस था, रुचि ने जब एस रजिस्टर यूज कर रही थी तो उसने जो मेजरमेंट करी उसमें मान लो उसका एल आया है 5 सेंटीमीटर, एल कितना आया है 5 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस एल कितना होगा 95 सेंटीमीटर, और मीटर स्केल से मेजर कर रही है तो उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, पता है किसी को लीस्ट काउंट? सेंटीमीटर। देखो मैंने दोनों सेंटीमीटर में रखी है। अच्छा इफ आई कैलकुलेटेड फॉर यू तो मैं बताता हूँ, देखो क्या आता है, इफ आई कैलकुलेटेड 0.1 डिवाइड बाय 5 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 95, देखो कितना आ रहा है, आई एम गेटिंग समवेयर अराउंड 0.021 सेंटीमीटर का एरर है, ठीक है। ये क्या है, ये प्लस माइनस एरर आया, सबको समझ में? Yes, अब एक तरफ तुमने ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया, एक तरफ अमन ने सपोज करो ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया, अमन ने ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढा है, इस कॉम्बिनेशन के कारण क्या हुआ है, अमन को जो वैल्यूज मिल रही हैं वो वैल्यूज लेट्स से कौन कौन सी हैं, उसको बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रहा है 50 पे, तो 0.1/50 प्लस 0.1/50 दोनों साइड से मेजर करेगा। अब इसमें देखो मैं कौन कौन से यही दोनों एरर ले रहा हूँ, समझ में आ रही है नहीं आ रही है कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो उन लोग समझ में नहीं आ रहा है? आ रही है सर, 0.1/50, so if you double this into 2, so इसको double करके मुझे मिल रहा है error, इसको solve भी कर लेना, मैं लिख देंगा इधर notes में तुम्हारे, 0.004 सेंटीमीटर। अब बताओ कौन सा अच्छा ही डिवाइस, इसकी वाली अच्छी मेजरमेंट है या इसकी वाली अमन वाली?
सेकंड केस सेकंड वाली आई बात समझ में अभी तो अपन दैट्स व्हाई वी ऑलवेज वांट कि जितना हो सके मेरा जो नल पॉइंट है वो जितना हो सके सेंटर में रहे ठीक है यही थी यार थ्योरी बस ये पार्ट ऐसा था मेरे को पहले लगा नहीं कर रहा हूँ बुक से पढ़ लोगे बट फिर मेरे को लगा बच्चों को पता नहीं होता तो बता देता हूँ मैंने इसलिए बता दिया ठीक है जस्ट इन केस कुछ भी रहना नहीं चाहिए चलो जाओ तुम लोग है ना टुडे वी लर्न ओनली अबाउट द मीटर ब्रिज है ना और कुछ दिक्कत तकलीफ किसी को अच्छा मैंने सारी रिकॉर्डिंग्स और सब नोट्स वगैरह अपलोड कर दिए हैं तो प्लीज कर लो उसको डीपीवीज में नई वाली भी और शेयर करूंगा और प्रैक्टिस भी करेंगे अपन है ना अंटिल देन कीप लर्निंग अच्छे अच्छे रिजल्ट लाओ तुम लोग जल्दी से ओके सर टेस्ट के क्वेश्चन पूछने हैं क्या अभी तो